नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। गुरुग्राम के ओआरसी में गेट टुगेदर का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे वैज्ञानिक तथा शोधार्थी, वंडर ऑफ साइलेंस पर चर्चा। हरियाणा के कृषि राज्य मंत्री ओम प्रकाश धनकर ने किया अवलोकन। नेपाल के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को बीके राज ने बांधा पवित्र रक्षा सूत्र। संस्थान की गतिविधियों से भी कराया अवगत। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में संकल्प शक्ति द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान विषय पर कार्यक्रम। वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने बताया संकल्पों में दृढ़ता व एकाग्रता लाने के उपाय। साप्ताहिक नासिक परिसर पत्रिका के 8वें वार्षिक उत्सव पर कई शिविरों का आयोजन। ब्रह्म कुमारी तथा नासिक परिसर का संयुक्त आयोजन, हजारों लोग हुए शामिल। चीन के ग्वांगझो में कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया और ब्रह्म कुमारीज का राजयोग मेडिटेशन से माइंड और बॉडी को हेल्दी बनाने पर कार्यक्रम, 500 लोग हुए शरीक। सिडनी में भी इंडियन कंसुलेट, इंडियन कल्चरल सेंटर और ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा राजयोग इनर पावर एंड इनर पीस विषय पर वर्कशॉप। कंसुलेट जनरल मिस्टर वानलावाला ने की शिरकत। और टोक्यो के इंडियन एम्बेसी ऑडिटोरियम में योगा मेडिटेशन इवेंट का आयोजन। तो सेशल्स में भी योगा के बारे में जागृति लाने के लिए बिग इवेंट आयोजित। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के लिए वंडर्स ऑफ साइलेंस विषय पर एक दिवसीय स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सैकड़ों वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इन प्रतिभागियों को संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने संबोधित किया। सम्मेलन में संस्थान के सदस्यों ने सभी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को साइलेंस का महत्व बताते हुए कहा कि किसी भी नए आविष्कार के लिए पहले साइलेंस में जाना पड़ता है, क्योंकि साइलेंस में जाने पर मन एकाग्रचित्त हो जाता है और नए नए आइडियाज आते हैं। आपने कभी अनुभव नहीं किया कि आप किसी चीज में इतने एकाग्र हो जाते हैं कि आपके माइंड पे कुछ और नहीं चल रहा है उस टाइम? होता है ऐसा, हम सब ने एक्सपीरियंस किया। देयर बी नोबडी हु नॉट एक्सपीरियंस दैट, कि आप इतने मग्न हैं कि यहाँ भी कुछ नहीं चल रहा, बाहर जो चल रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा। आपके सामने से कोई गुजर जाएगा, हेलो भी बोलेगा और आपको ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंड एक ही चीज पर फोकस्ड है। सो नो नॉइज इनसाइड and no effect of noise outside. This is silence, and that is why silence and science is together, because science के लिए भी वही silence चाहिए होता है। आज के हमारे बच्चे कहते हैं concentrate नहीं होता हमारे से। क्यों concentrate नहीं होता? यहाँ noise बहुत है, ये silent ही नहीं हो रहा। अब ये silent क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि छोटी छोटी बातें आती हैं और हर बात में हमें आदत पड़ गई बहुत ज़्यादा सोचना। नेचर के लॉज को जानकर उसको प्रयोग में लाने के लिए संपन्नता पैदा करना ये साइंस का काम है। एक हीरा है, पड़ा है खान में, गोल्ड माइन में पड़ा है, डायमंड माइन में, उसको निकालकर आपके नेकलेस तक लाना ये अपने आप तो नहीं हो सकता। तो आप वैज्ञानिक हैं तो आपको अपने ऊपर बहुत नाज होना चाहिए। दादी जी ने कहा डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को, वो अकेले साइंटिस्ट थे। उसमें साइंटिस्ट साइलेंस बढ़िया साइंस, अब्दुल कलाम जी बोले साइंस। और काफ़ी सालों के बाद, उसके बाद उनका बड़ा प्यारा रिश्ता इसी ईश्वरी विश्वविद्यालय से बन गया। और प्रेसिडेंट जब वो बने तब उन्होंने कहा कि जितना साइलेंस का उपयोग और इम्पोर्टेंस मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में देखी है और कहीं भी नहीं देखी। अंत में सभी प्रतिभागियों ने कार्यशाला के दौरान हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। आई फील ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम टुडे। Silence has its own wonders, because when you become silent, you actually listen to yourself, and This silence can take you to the very depth of yourself, that inner self, that you didn't even know that it existed. It takes you to the deep, mysterious realm of inner space. You feel that you're traversing from one galaxy to the another. It's a beautiful world, it's wonderful. So the silence brings bliss, and it's only through silence that you can become one with the whole universe. You feel that you are part of the whole creation. सिचुएशंस और जो रिस्पांस है इसके बीच में कनेक्शन, इस पर आज जो डिबेट हुई और इसमें फाइनली ये निकला कि दोनों में कनेक्शन ही नहीं है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं ना। ये फर्स्ट प्रिंसिपल अगर लाइफ में हम अगर लेंगे तो ना जितना भी हम रिस्पांस देते हैं वो सिचुएशन से नहीं है, वो हमारा सेल्फ जो क्रिएटेड है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से मुझे लगता है कि सारी की सारी समस्याएं जो हमारी हैं उसका समाधान इसी फर्स्ट प्रिंसिपल में ही लिखा हुआ है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो मैंने आज से ही बल्कि नहीं अभी से ही मैंने उसको अपनी लाइफ में फील किया है कि अगर मैं इसको करूँगा तो ना सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं अपनी जहाँ भी कार्य में या परिवार में जो भी हम कार्य करते हैं दूसरों को भी इफ़ेक्ट करेगा, और इससे जो है हम खुद तो एलिवेट होंगे, समाज भी इससे एलिवेट होगा। सब कुछ हमारे अंदर ही है, और जो बेस्ट डिसीजंस, बेस्ट कंक्लूजन्स जो निकलते हैं वो हमारे मन के अंदर हैं। अगर अपने मन की शांति बना के रखें तो ये हमारे लाइफ के लिए और आने वाले समय आसपास के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। जो सबसे अच्छा शिवानी बहन ने हमें बताया कि जो साइलेंस का पार्ट है वो किस तरह से सिचुएशन में उभर कर आता है, चाहे वो फ्रेजाइल हो, डिफ़िकल्ट हो, उसकी समाप्ति साइलेंस पे होती है। और साइलेंस होने के बाद जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो हाई हो जाते हैं, कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, इंट्यूशन हाई हो जाती है। वहीं हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनकर ने ओआरसी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बीके आशा और बीके शिवानी से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा भी की। अंत में उन्होंने संस्थान द्वारा की जा रही सेवाओं की भी जमकर सराहना की। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में संस्थान के सदस्यों ने उन्हें जानकारी दी कि प्रभागों के माध्यम से यह संस्थान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की किस प्रकार से सेवाएं कर रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा को काठमांडू सब जोन प्रभारी बीके राज ने मुलाकात कर पवित्रता व सुरक्षा का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान राष्ट्रपति ने समाज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सद्भावना, एकता व भाईचारे को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी जमकर सराहा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में संकल्प शक्ति द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना दुबे, पीजी कॉलेज के प्राचार्य के.एल. साहू, माउंट आबू से वरिष्ठ राजस्व प्रशिक्षक बीके सूरज, बीके गीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुम मुख्य रूप से उपस्थित थी। आज मानव ने सागर की गहराई और आकाश की ऊंचाई को तो नाप लिया है, लेकिन अपने संकल्पों की शक्ति को नहीं आंक पा रहा है। अगर हम अपने संकल्पों में एकाग्रता ले आए तो दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो असंभव हो। विचारों को चेंज करके ही जाएंगे। तो पहला परिवर्तन नेगेटिव नहीं होना है। जो भी निगेटिव सोचते हो उन्हें आज सीख लेना है कि हमें पॉजिटिव होना है। बहुत सारी बातें गीता ने सुना दी, मैं उस बात को थोड़ा और क्लियर कर दूं। हम सभी के संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है। परमपिता की सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति और पीड़ित मानवता को सदगति के मुकाम तक पहुंचाने का जो प्रयास ब्रह्म कुमारी के समस्त समर्पित भाई और बहनें, माताएं, बच्चे और सभी शामिल। नासिक पूर्णा रोड स्थित श्री कृष्ण लॉन्स में साप्ताहिक नासिक परिसर पत्रिका के 8वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज और साप्ताहिक नासिक परिसर के संयुक्त तत्वाधान में अलविदा डायबिटीज आरोग्य शिविर, कुकिंग वर्कशॉप और चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव के शुभारंभ अवसर पर नासिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती, डॉक्टर मल्हार देश पांडे, डॉक्टर उज्जवल कापरनीस, हेनरी स्पोकन एकेडमी के हेनरी सर, डॉक्टर सुषमा अहरे, बीके वीणा, बीके गोदावरी, बीके विनु, नासिक परिसर पत्रिका के संपादक बीके दिलीप बोर से मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस शिविर में डॉक्टर मल्हार व डॉक्टर उज्जवल ने डायबिटीज पेशेंट्स को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही स्वस्थ रहने के लिए कई प्रकार के व्यायाम की भी जानकारी दी। वहीं बीके सदस्यों ने संस्थान द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जीवन को सुंदर व स्वस्थ बनाने की भी जानकारी दी। अंत में नासिक परिसर के कर्मचारियों ने संपादक दिलीप बोरसे को सम्मानित किया। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने सभी कर्मचारियों को ईश्वरी सौगात भेंट की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा संस्कार भारती द्वारा आयोजित हरियाली तीज कार्यक्रम में सत्यधाम गीता पाठशाला के बीके हेमा को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिसमें बीके हेमा ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके संस्कारों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे वे श्रेष्ठ संस्कारों से श्रेष्ठ नागरिक बन जाएं। अंत में संस्था के अध्यक्ष अनिल राज गुप्ता ने बीके बहनों का धन्यवाद दिया और बीके बहनों ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसी क्रम में अलीगढ़ के हरदुआगंज में अमर शहीद गिरधारी लाल के स्मारक का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के प्रभारी बीके कमलेश, कोडियागंज गीता पाठशाला के प्रभारी बीके रमा, बीके सत्यप्रकाश एवं अमर शहीद के परिवार के सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर बीके कमलेश ने कहा कि भारत माँ की सेवा करते हुए शहीद होना बहुत बड़े गौरव की बात है, इसलिए यह परिवार सदा ही सम्मान का पात्र है। विद्यार्थी जीवन संपूर्ण जीवन रूपी यात्रा का एक आधार स्तंभ है। यदि इस आधार स्तंभ को आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग के अभ्यास से सशक्त बना दिया जाए तो आने वाली परिस्थितियों का सहज ही सामना किया जा सकता है। इसी बात को प्राथमिकता देते हुए राजस्थान में भरतपुर के केंद्रीय विद्यालय में राजयोग द्वारा विद्यार्थी जीवन में लाभ विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र के सदस्यों को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस कार्यशाला में राजयोग शिक्षिका बीके प्रेमीणा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें यदि अपने जीवन को उज्जवल बनाना है तो गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। इसके साथ ही प्राचार्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वैल्यूज मूल्य हमारे जीवन से छूटते चले जाते हैं। विद्यार्थियों, वर्तमान समय अगर हमें अपने जीवन को उज्जवल और श्रेष्ठ बनाना है तो सर्वप्रथम गुरु की आज्ञा सर्वोपरि हमें अपने जीवन में अपनानी होगी। बहन जी का उद्बोधन सुना, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने आपको ये बताया था, हम आत्मिक भाई बहन हैं, हम सभी आत्मिक भाई बहन हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने, अगर एक आदमी दुनिया बदल सकता है तो इतने सारे विद्यार्थी, इतने सारे हम लोग कुछ क्यों नहीं बदल सकते। इसी क्रम में भरतपुर के बयाना उपसेवा केंद्र पर आयोजित आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन विकास अधिकारी समय सिंह गुर्जर, डॉक्टर पूरनमल अग्रवाल पंचायती मंदिर के अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में लोगों ने किया, जिन्हें बीके बहनों ने ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग की विधि से अवगत कराया। अंत में अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं बिहार में गया के एपी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने एसएसपी गरिमा मलिक, एसडीओ विकास कुमार जायसवाल एवं सुधा डेयरी मिल्क के एकीकरण को आत्मस्मृति का तिलक लगाकर राखी बांधी और ईश्वरीय साहित्य भेंट कर आध्यात्मिक ज्ञान से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र द्वारा सावन मास में भव्य भोलेनाथ एवं अमरनाथ की झांकी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विश्व ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र महंत, पार्षद राजेश चौहान, वैष्णव एकेडमी के डायरेक्टर एसडी वैष्णव, समाज सेवी डॉक्टर राधा राठौर, मंजीत टुटेजा, थाना संयोजक हरीश सोनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने सैकड़ों लोगों को प्रदर्शनी द्वारा आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया। वहीं बीके जयंती ने अतिथियों से ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की और उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। नई दिल्ली में नेहरू प्लेस स्थित ओवरसीज बैंक में कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए कालका जी सेवा केंद्र द्वारा जश्न जिंदगी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीके रचना ने जीवन में आने वाले कष्टों को जश्न में बदलने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन को सार्थक बताया और बीके संध्या ने भी सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। विद्यार्थी जीवन में शारीरिक व्यायाम व राजयोग का नियमित अभ्यास हमें सभी बीमारियों से दूर तो रखता ही है, इसके साथ ही एकाग्रता, मानसिक संतुलन एवं वैचारिक शक्ति को भी बढ़ाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु में चेन्नई के अवधि में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष मंत्रालय से आए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बानुमथी, मेट्रिकुलेशन एवं CBSE स्कूल के प्रदेश अध्यक्ष एक अगार, राज्य महासचिव डॉक्टर नंदा कुमार, नगर पालिका के आयुक्त PMN मुसीफर रहमान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ईश्वरी मुख्य रूप से मौजूद थीं। इस दौरान बीके ईश्वरी ने भारत के प्राचीन राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि इसके नियमित अभ्यास से आत्मा में असीम ऊर्जा का संचार होता है तथा व्यवहार एवं कर्मों में भी श्रेष्ठता आती है। इसके साथ ही राजयोग का अभ्यास कराया। इस मौके पर अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को योगा नामक पुस्तक भी भेंट की गई थी। वहीं कार्यक्रम में 1200 से अधिक विद्यार्थियों ने सहभागिता कर योग और राजयोग के लाभ जाने। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। चीन के ग्वांगझो में कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया और ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा स्पेशल इवेंट का आयोजन किया गया। सिटी सेंटर के 5 स्टार होटल में आयोजित इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य लोगों को राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से माइंड और बॉडी को हेल्दी बनाने की जानकारी देना था, जिसमें सहभागिता करते हुए 500 लोगों ने बेनिफिट्स उठाए। इस इवेंट का इनॉग्रेशन कंसुलेट ऑफिसर तरुण कुमार, इंडियन कंसुलेट से आरती वासुदेव, ब्रह्मा कुमारीज में चीन की कोऑर्डिनेटर बीके सपना ने कैंडल लाइटिंग कर किया। इस मौके पर अन्य कई योगा टीचर्स को भी इनवाइट किया गया था, जिसका उपस्थित लोगों ने पूरा लाभ लिया और फिजिकल एक्सरसाइज की। इसके साथ ही कलाकारों ने चाइनीज योगा का भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। बीके सपना ने राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताते हुए कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया, जिसकी सभी ने सराहना की। वहीं अन्य लोगों ने राजयोग क्लासेस करने व योग के आध्यात्मिक आयाम को जानने की इच्छा जाहिर की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इंडियन कंसुलेट, इंडियन कल्चरल सेंटर और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा राज्यों का इनर पावर एंड इनर पीस विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कंसुलेट जनरल मिनिस्टर वानला वाला, एमएलए डेविड क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके चार्ली हॉक, इनर स्पेस सेंटर से बीके मोरिनी मुख्य रूप से शामिल रहीं। इनर पावर एंड इनर पीस को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस इवेंट में बीके कीम ने ओपेरा सिंगर हैदर ली के साथ हठ योग का प्रदर्शन किया व भारतीय मंत्रों का उच्चारण किया। बीके अमी ने राजयोग पर पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया, जिसके द्वारा लोगों को राजयोग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। अंत में इनर स्पेस सेंटर की बीके आशा ने सभी को शुभकामनाएं दी व उपस्थित अतिथियों ने राजयोग को अपने डेली रूटीन में शामिल करने का आह्वान किया। जापान के राजधानी टोक्यो के इंडियन एम्बेसी ऑडिटोरियम में योगा मेडिटेशन इवेंट का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित इस इवेंट में जापान में भारतीय राजदूत सुजन आर चिनोय, बीके मिजोए, बीके यूको, कोबे से आई बीके ललिता, सैन फ्रांसिस्को से बीके क्योको और टोक्यो तथा योकोहामा से कई बीके सदस्य शामिल रहे। विदेशी जमीन पर भारतीय परंपरा व संस्कृति को जब महत्व दिया जाता है तो वो गौरव की बात होती है। इसलिए भारतीय राजदूत सुजन आर चिनोय ने जब अपने वक्तव्य में भारत के प्राचीन योग का जिक्र कर उसका समर्थन किया व ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग की महिमा की, तो वहां उपस्थित सभी के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर फिजिकल एक्सरसाइज के साथ राजयोग, मेडिटेशन व संगीतमय योग आकर्षण का केंद्र रहा। बीके सदस्यों ने राजयोग द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का भी आह्वान किया। सेशल्स में भी योगा के बारे में लोगों में जागृति लाने के उद्देश्य से बिग इवेंट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्पोर्ट्स एंड हेल्थ मिनिस्टर मैडम इलेथ एलेक्जेंडर, इंडियन हाई कमिश्नर डॉक्टर औसेफ सईद ने इस इवेंट की शोभा बढ़ाई। इसके साथ ही स्थानीय ब्रह्मा कुमारी के सदस्यों ने बड़े उमंग उत्साह के साथ इवेंट में हिस्सा लिया। इस योगा सेशन की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वीडियो दिखाकर किया गया। वहीं अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने योग से संबंधित अपने विचारों से सभी को लाभान्वित किया। सभा में मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने बेहतरीन तरीके से शारीरिक प्राणायाम किया व स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाया। योगा सेशन के दौरान बीके ने पावरफुल कमेंट्री के द्वारा मेडिटेशन कराया। इसके साथ ही बीके फ्रांसिस समेत सभी योगा इंस्ट्रक्टर्स को शॉल उड़ाकर व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो के अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें godlywoodstudio.org पर। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए पीस न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।